स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द ट्री ब्यूटी पोएम को एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और इसके राइटर हैं टी कैर्यू ने इस पोएम में फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है, और साथ ही साथ दोनों के महत्व को बताने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर फिजिकल ब्यूटी हो और स्पिरिचुअल ब्यूटी ना हो, या फिर स्पिरिचुअल ब्यूटी हो और फिजिकल ब्यूटी ना हो, तो दोनों में से किसका महत्व ज़्यादा है। यह पोएम में कुल दो स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में आते हैं, पहले ही दैट लव्स ए रोजी चिक आर ए कोलर लिप्स एडमायर, वह व्यक्ति जो एक गुलाबी गालों से प्यार करता है, रोजी चिक्स मीन्स गुलाबी गाल, आर ए कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे के समान लाल लाल ओठों की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आई दत्त से, या फिर सितारों की तरह चमकती हुई आँखों को खोजता है जो उसको फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। सितारों से जैसी चमकती हुई आँखें उसके प्यार के गर्मी को मेंटेन रखने के लिए या जलाए रखने के लिए ईंधन का कार्य करती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दी डिके सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और समय के साथ ही जब ये शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, लाल लाल मूंगे जैसे ओठ और सितारों जैसी चमकती आँखें जब समय के साथ छीन पड़ जाती हैं या बूढ़ी हो जाती हैं, या शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो उसका जो प्यार है वह बेकार हो जाता है। तो मतलब जो फिजिकल ब्यूटी के कारण जो प्यार होता है वह फिजिकल ब्यूटी के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। फिजिकल ब्यूटी के जो स्रोत बताए गए हैं पोएट के द्वारा वह है रोजी चिक मतलब गुलाबी गाल, और कोलर लिप्स मतलब मूंगे जैसे लाल लाल ओठ और सितारों जैसी चमकती हुई आँखें, ये स्रोत हैं ईंधन का, उस ईंधन का जिससे प्रेमी अपने प्यार को, अपने प्यार की आग को जलाए रखता है। और समय के साथ जब ये फिजिकल ब्यूटी छीन पड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उसका प्यार, उसकी प्यार की तपिस भी समाप्त हो जाती है। अब दूसरे स्टंजा में आते हैं, बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड। स्मूथ का मतलब तो इसे चिकना होता है, लेकिन यहाँ निष्कपट है। स्टेड फास्ट माइंड मतलब दृढ़ मस्तिष्क, लेकिन एक निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटिल थॉट एंड काम डिजायर, हर्ट विथ इक्वल लव कम्बाइंड, लेकिन एक निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क जिसमें सात्विक विचार और शांत इच्छाएँ होती हैं, जेंटिल थॉट मतलब सात्विक विचार, काम डिजायर्स में शांत इच्छाएँ होती हैं, और जिनके हृदय में बराबर बराबर प्यार होता है। जब दो हृदय बराबर बराबर प्यार से बंधे होते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो यह जो प्यार प्रज्वलित हो रहा होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा कब होता है जब प्यार समाप्त न हो? ऐसा तभी संभव है जब प्यार करने वाले निष्कपट हों और दृढ़ दिमाग के हों, और उनके विचार सात्विक हों, और उनकी इच्छाएं शांत हों, और उनके दिल में परस्पर बराबर बराबर प्यार हो, तो उनका जो प्यार की लौ है वो कभी बुझती नहीं। फेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चिक आर लिप्स आर आई, और जहाँ पे यह नहीं होता, मतलब सात्विक विचार यहाँ पे न हो, शांत इच्छाएँ न हों, दृढ़ मस्तिष्क न हो, निष्कपट मस्तिष्क न हो, तो जो फिजिकल ब्यूटी के कारण जो प्यार होता है उससे मैं नफरत करता हूँ, डिस्पाइस में घृणा करना, और बिना फिजिकल ब्यूटी के, चाहे गाल कितने भी गुलाबी क्यों न हो, ओठ कितने भी रसीले लाल लाल क्यों न हो, आँखें कितनी भी चमकीली क्यों न हो, पर मैं ऐसे लव्स को पसंद नहीं करता, ऐसे प्यार को मैं पसंद नहीं करता जिसमें सिर्फ
फिजिकल ब्यूटी हो, शारीरिक सुंदरता हो और आत्मिक सुंदरता न हो, तो लेखक का कहना है कि शारीरिक सुंदरता की तुलना में आत्मिक सुंदरता ज़्यादा महत्व रखती है। अगर आत्मिक सुंदरता है तो वह उससे जो प्यार उपजता है वह कभी समाप्त नहीं होता, और जो प्यार केवल शारीरिक सुंदरता के कारण उपजता है वह समय के साथ समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।